सोच से, कभी मन के विश्वास से, उड़ने ख्वाबों को पर लगाए जो पर आकाश से। दीदी संसार को चुनकर रहे दुश्वार जो शौचालय का उद्घाटन करना आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, पर महाराजगंज उत्तर प्रदेश के विशनपुर खुर्द गांव की रहने वाली प्रियंका भारती आज बहुत खुश थी। शादी के बाद ससुराल आने के सिर्फ दो दिन बाद ही प्रियंका ने अपने मायके जाने का निर्णय ले लिया था, और उसकी वजह थी शौचालय। जी हाँ, उसके ससुराल में शौचालय नहीं था और उसे ये मंजूर नहीं था। शौचालय बनाने की मांग को लेकर वो अपने ससुराल से वापस अपने मायके आ चुकी थी। आज प्रियंका कई महिलाओं की प्रेरणा स्रोत बन चुकी है और उसके इस कार्य की सराहना देश विदेश में भी हो चुकी है। आइए देखते हैं प्रियंका भारती की दिलचस्प कहानी। क्या बात है चाची, बहुरिया तो बड़ी सुंदर है तुम्हारी। चल हट, नजर मत लगा मेरी बहू को। लो बहू पकड़ो, लो जी देख लो। सुमनिया सच कह रही है, तारा बहू तो बहुत चुनकर लेकर आई है, बहुत ही सुंदर है। अच्छा अच्छा ठीक है, जल्दी कर, पीछे और भी लोग लगे हैं लाइन में देखने को। चल। अरे संगीता, तू यहाँ क्या कर रही है? है? तुम लोगों की खुसर-बुसरी ना खत्म होए? जब बाहर जाके देख क्या मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम हुआ है कि नहीं। अरे अम्मा, भाभी को देखने तो दो। ए पूनम, तुम जाके देख के आओ। क्यों, हम ना देखेंगे भाभी को? अरे रहने दे, बहुत देखन दिखाई हो गई। हा? चल बहुरिया को भी ले जा अंदर, जा थक गई हो। चलते चलो भाभी, चलो चलो। थक गई होगी ना, बहुत देर से बैठी है।
तारा की किस्मत बहुत अच्छी थी जो ऐसी लायक बहू मिली है। अरे हम भी तो वही कह रहे हैं। अरे रहने दे अब तू, हाँ ज्यादा तारीफे करके मेरी बहू पर नजर मत गड़ा अपनी। बड़ी बहू के समय भी तूने ऐसा ही किया था, तभी तो बेचारी उसी दिन बीमार पड़ गई थी। हाँ अरे आप सब लोग बिना खाना खाए जाना मत, ठीक है? हाँ हाँ चाची खा के जाएंगे, तुम्हारी बात कैसे टाल सकते हैं। तू भी खा के जाना। हाँ हाँ पक्का। और अमरजीत? हाँ चाचा। सब कुशल मंगल है ना? हाँ हाँ। और सब कार्य प्रयोजन ठीक से निकल गया ना? हाँ चाचा सब अच्छे से निपट गया। चलो अच्छा है। घर पर चिंटुआ की माई बता रही थी कि तुम्हारी पत्नी बड़े अच्छे संस्कार वाली है। चाचा आशीर्वाद है आप सबके। संगीता शौचालय कहाँ है? बाहर। और कहाँ? बाहर किधर? मुझे तो नजर नहीं आ रहा, जरा बताइए ना। बाहर मतलब बाहर भाभी, ये लो इसमें मैंने पानी भर दिया है, जल्दी जाओ वरना बहुत लोग मिलेंगे। हाँ। बाहर मतलब खेतों में? घर में शौचालय नहीं है? चलो अच्छा हुआ तुम किस्मत वाले हो जो इतनी अच्छी बहू मिली है, लेकिन अब जितना पढ़ाई लिखाई करना था कर लिए, अब कुछ काम धंधा करने की सोचो। हाँ चाचा हम भी वही सोच रहे हैं, अरे घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना है। तुम अभी तक यहाँ गप लगा रहे हो? जाओ जल्दी होकर आओ ना। और सुनो आते हुए पंडित से पूछ कर पूजा का सब सामान घर ले आना। हाँ बाबूजी हम वो सब कर लेंगे। अच्छा बाबूजी। और रामजीव सब ठीक ठाक से निपट गया ना शादी ब्याह? अरे हाँ ऊपर वाले की कृपा से सब बढ़िया से हो गया। अच्छा पर तुम नहीं आए? अरे का बताएं ससुरा, पेटे खराब हो गया, दिन में 10 बार दौड़ना पड़ता है भाई। अब किसी कार्य प्रयोजन में जाके कुछ उल्टा सीधा खा लेते तो पता नहीं और क्या झेलना पड़ता। क्या हुआ सब ठीक है ना? अरे नहीं कुछ ठीक नहीं, पेट में एकदम मरोड़ बना रहता। अच्छा ये बताओ गांव में तुम्हारी बहू का तो बड़ा तारीफ हो रहा है। अरे भाई सालों से जांच परख के शादी की है तो अच्छी तो होगी ही ना। अच्छा अब हम चलते हैं। ठीक है मिलते हैं शाम को। अरे सोच के लिए बाहर खेतों में जाना होगा। अरे तो उसमें परेशानी की क्या बात है बहू, हम भी तो जाते हैं। सोच के लिए बाहर खेतों में जाना होगा। अरे तो उसमें परेशानी की क्या बात है बहू, हम भी तो जाते हैं। जैसे हम सब लोग जाते हैं वैसे तुम जाके आओ, खुश रहो। पर अम्मा इस तरह बाहर खेतों में कोई देखेगा तो? अरे कौन देखेगा, उनकी भी तो बहू बेटी जाती है कि नहीं शौच के लिए। ए पूनम जा अपनी भाभी को लेके जा और दिखा शौच के लिए कहाँ जाना है, जा। चलो भाभी जल्दी जाना होगा नहीं तो बहुत भीड़ हो जाएगी। अरे भाई सोच कर रहे हो, जल्दी जाओ और जल्दी जाके आओ, पूजा की तैयारी भी तो करनी है कि नहीं, जल्दी जाओ। और तू जाके देख बापू बाहर आ गए हैं तो चाय बना के दे, खड़ी खड़ी देख रही है। कहाँ जाएंगे भाभी? इस तरफ। नहीं 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 उस तरफ, उछड़ा गंदा है। देख लो एक बार फिर से। हाँ आप उस जगह जाओ भाभी, उस जगह ठीक है, जाओ जल्दी वरना कोई और आ जाएगा। इस जगह? हाँ ये लीजिए जाओ। अरे भाभी आप तो ऐसे सोचते रह जाओगे। अच्छा ठीक है आप जाओ वहां पे ठीक है, जाओ।
अरे सुनो, तुम्हारा भाई आने वाला है, अम्मा को बोलो कुछ अच्छा सा बना ले उसके लिए। क्या बात है, तुम टेंशन में लग रही हो? कुछ बात करना है आपसे। हाँ बोलो। घर में शौचालय नहीं है? अरे हमारे घर में नहीं, यहाँ किसी भी घर में नहीं मिलेगा आपको शौचालय। पर ये तो गलत बात है। अरे इसमें गलत क्या है, पूरे गांव वाले बाहर ही जाते हैं। मर्दों का क्या है, वो तो जा सकते हैं, पर औरतें वो कैसे बाहर जाएंगी? अरे आपके लिए नया गांव है ना, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। पर हमको आदत नहीं बनाना है, हम बाहर शौचालय के लिए नहीं जा सकते, वो औरतों के लिए गलत है। पर आज तो हम गिर भी गए, चोट भी लग गई। अरे तुम्हें चोट कैसे लगी? खेत में गए थे और डब्बा गिर गया और हम भी गिर गए। बात तो ऐसे कर रही हो जैसे शहर से आई हो, कभी खेत में नहीं गई हो क्या? हम क्यों खेत में जाएंगे, हमारे घर में एक छोटा सा शौचालय है। अच्छा सुनो, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, तुमसे मिलने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं और मैं जाकर देखता हूँ, शायद तुम्हारा भाई आ गया होगा। हम अपने भाई के साथ घर वापस जाएंगे। हम बिना शौचालय के यहाँ नहीं रह पाएंगे। सुखी रहिए, कैसे हैं? ठीक है। हाँ बैठो। और आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, बस डीजल भरवाने में टाइम लग गया, नहीं तो हम तो और भी जल्दी आ जाते। अमरजीत, अमरजीत, अरे बेटा जल्दी आओ। अरे ठीक है गले लगो, बैठो, थोड़ा नाश्ता पानी का प्रबंध करो। हाँ पापा, हम बंदोबस्त करवा रहे हैं, बन रहा है। नाश्ता किए हैं, बस दीदी को कह दीजिएगा कि आज ही शाम को हमें लौटना है। अरे अभी अभी आए हो, अभी लौटना है, कमाल है। गाड़ी की बुकिंग है, कल इसे दूसरी शादी में भेजना है इसको। अच्छा ठीक है, आप बैठो, हम आते हैं। आओ बताओ संधि जी कैसे हैं? ठीक हैं, बस दीदी की चिंता थी सो हमें भेज दिया। बाप हैं, चिंता तो होगी। हमको सिर्फ हमारी चिंता नहीं है अम्मा, सब लोगों की चिंता है, और हमारी ननद, उन्हें भी तो बाहर जाना होता है। हमें तो आपकी भी चिंता है अम्मा। हमारी चिंता काहे को हो रही है बहू? ब्याह करके आए, इस घर में 2 दिन बीते नहीं है, तुमको हल्ला मचा के रख दिया। टॉयलेट किधर है, बाथरूम किधर है, ये किधर है, वो किधर है? अरे भाई नई नवेली दुल्हन हो, थोड़ी तो शांति रखो, आस पड़ोस सुनेगा तो क्या कहेगा? भाभी कुछ गलत थोड़े ना बोल रही हैं, एकदम सही बोल रही हैं। अरे चुप करो, अम्मा सुनेगी तो झांपड़ लगाएगी। अम्मा। हाँ बेटा बोल। अरे अम्मा इसका भाई आया हुआ है, कुछ चाय नाश्ता बना दीजिए। अरे ये तो अच्छी बात है, अंदर लेकर आ। और वैसे भी तेरी बहुरिया भी बहुत बेचैन हो रही है, ये भी मिल लेगी। अच्छा, जा तू भी मिल ले, हम लेके आने। ओ खुशबू सर। हाँ अम्मा। क्या कर रही हो उधर, चलो मेरे काम में हाथ बटाओ। जी हाँ। और माई बाबू कैसे? सब ठीक है। और छुटका? वो भी ठीक है, बोला था आने के लिए लेकिन परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ है इसलिए नहीं आ पाया। और माँ ने पूछा था कि यहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, पर शौचालय नहीं है। नहीं है? घर में शौचालय नहीं है? फिर क्या, तुम कब जा रहे हो? आज शाम को, फटीचरा का गाड़ी लेकर आए हैं,
कल इसको शादी में जाना है। हाँ हाँ जल्दी चले जाओ, नहीं तो तुम्हें भी फिर शाम को बाहर ही। भाई बहन में बातचीत खत्म हो गई हो तो चलें बाहर। अम्मा ने खाना लगा दिया है, आओ चलें। जा पूरी ले जा बाहर और बाहर जाके देख किसी को कुछ चाहिए तो नहीं ना, मना करे तो भी थाली में दो चार रख देना, नियम होता है। जी अम्मा। ठीक है जा। अम्मा। हाँ बोल तो। भाभी कहाँ है? अरे होगी अपने कमरे में, जाके बुला लेना। अब नई नवेली दुल्हन है, जोर की आवाज देके भी तो नहीं बुला सकती ना, जा बुला ले। हाँ। ले आई गई। सुर कर रही हो, कहाँ मीटिंग चल रही है हमको भी तो पता चले। अरे तो कहाँ हुआ, कौन सा आसमान गिर गया या धरती फट गई? तुम लोग तो राई का पहाड़ बना के रख देते हो। अरे ओ पूनम जा अपनी भाभी को लेके जा, शौच दिखा। वैसे भी दो चार दिन में खुद ही जाने लगेगी। अरे अम्मा वो बाहर नहीं जाना चाहती हैं। अरे जाएगी नहीं तो क्या करेगी फिर? हाँ जाना तो पड़ेगा ना। अरे अम्मा वो बाहर नहीं जाना चाहती हैं। अरे जाएगी नहीं तो क्या करेगी फिर? हाँ जाना तो पड़ेगा ना। बहू बुद्धि ज्यादा खाली का, सुबह सुबह तो जाकर आई थी जो फिर जाने की जरूरत पड़ गई। एक काम कर तू पीछे के दरवाजे से निकल जा। हाँ नहीं नहीं माँ जी मैं बाद में चली जाऊंगी। अजीब औरत है, जाना भी है और जाना भी नहीं चाहती। भाभी जब पेट खराब है तो जाना ही पड़ेगा ना। अब चलिए हम पानी लेके आते हैं। नहीं नहीं पूनम रहने दीजिए, हम बाद में चले जाएंगे, आप लोग परेशान मत होइए। सबको टेंशन देखी कहती टेंशन मत लो। हरी बहू टेंशन तो होगी ना, जब तक तुम जाकर आओगी नहीं तो खाना कैसे खाओगी? हाँ जा जाकर जी औरत है, दो दिन में हंगामा करके रख दिया, जाने का करेगी जे चोरी। इसके भाई को जाने दो, बाद में अच्छे से समझाऊंगी बैठा के। अरे ठीक है दी मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक ठीक। खुश रहो, आते रहना। खुश रहे अभी तक बस। ठीक है अरे अम्मा हमको भी नहीं पता है। क्या तरीका है ये? देख तो जा। हम देखते हैं। अम्मी दीदी क्या कर रही हो तुम? अरे तुम कहाँ जा रही हो? हमें भी घर चलना है, चलो चलिए भैया। क्या कर रही हो तुम?
अरे लोग देख रहे हैं और ये तमाशा करना अच्छा लगता है क्या? बैग लेकर कहाँ जा रही हो? अपने घर जा रहे हैं, मायके जा रहे हैं हम। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे ऐसे कैसे जा सकती हो? लोगों की थोड़ी तो फिक्र करो, चलो उतरो। नहीं उतरेंगे, जब तक इस घर में शौचालय नहीं बनेगा हम वापस नहीं आएंगे। तुम उतरो, हम बनवाएंगे। हाँ तो ठीक है, जब बनवा लीजिएगा तब लेने आ जाइए। चलिए भैया आप। कटा के रख दिया हमरा। अरे गांव के लोग पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे हम? हम भी सुनता कौन है इस घर में? 14 साल की उम्र में तो छोरे का रिश्ता तय कर दिया तुमने। अब जब बहू घर में आई है तो 2 दिन भी ना रुकी, हल्ला शुरू कर दिया। बाथरूम किधर है, शौचालय किधर है? हाँ, अब गांव वालों को पता चलेगा कि बहू शौच के लिए बाहर जाती थी इसीलिए घर छोड़कर चली गई, तो कितनी बुरी बात है। क्या जवाब देंगे हम गांव वालों को? अमरजीत, सर झुका के क्या बैठा है? कुछ सोचा है क्या करना है? सोचा क्या है, इसका इलाज करना होगा और क्या। अरे ये कहां जा रहा है, स्कोर चढ़ा दिया आपने सर पर? हाँ, अब कुछ उल्टा सीधा कर देगा तो लुटिया तो हमरी डूबेगी ना। जवान लड़का है, कुछ कर दिया तो? अब कुछ नहीं किया तो और नाम खराब होगा हमारा, पूरा गांव थू थू करेगा। बड़ा हो गया, अब जो करेगा ठीक करेगा। हमरी तो कोई सुनता ही ना है, और वो जो तो उधर थी कलावती और सुमोना, तुम भी साथ में जुड़ के बैठी थी, उन्हें भी मना कर करके बैठ गई कि मत करो बहू की तारीफ, लेकिन कहा सुनता कहा है हमरी कोई। अब जब उनको पता चलेगा कि बहू भाग गई तो देखो कितनी खुश होंगी। अरे ओ चाची, चाची कुछ खबर है क्या? अरे चाची गुड न्यूज है। हमने तो नहीं सुनी, कहाँ न्यूज बताओ ना हम कभी। चाची नहीं सुनी तो फिर कहाँ सुनी, पूरा गांव भर में चर्चा है। देखो सुमनिया, बात को गोल गोल मत घुमाओ, हमें साफ साफ बताओ क्या बात है। अब हम कैसे बताए, अरे किस मुंह से बताए? अमरजीत की बहुरिया घर छोड़कर भाग गई है। क्या बात कर रही हूँ, अब बताओ हम ये बात किसको बताएं, कैसे बताएं? कोई बताने वाली बात है भला? सच कह रही हूँ। हाँ। अमरजीत की बहुरिया घर छोड़कर भाग गई। हाँ। अरे अभी अभी तो विदा होकर घर में आई थी और अभी अभी भाग गई। हाँ। पूरे गांव की नाक कटा दी। वैसे क्यों भागी, अब हम किस मुंह से बोले, बोलते हुए भी हमें शर्म आती है। देखो ज्यादा शर्म वर्म मत करो, नहीं तो हम संगीता की माँ से जाके खुद ही पूछ लेंगे कि क्या बात है। तुम अपना मुंह बंद रखो। नहीं 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 नहीं, मैं बताती हूँ ना, उस ससुराल वालों से शर्त रखी है। पता है क्या शर्त रखी है? हमको नहीं पता है, तभी तो तुम्हारी बक बक सुन रहे हैं। अब बता दो। अरे हम कैसे बताए कि क्या शर्त रखा है, ये कोई बताने वाली बात हुई? अरे शर्त ये रखी है कि जब तक घर में शौचालय नहीं बनेगा वो ससुराल वापस नहीं आएगी। हाँ आप सोचो चाची, ये सब बात भला कौन किससे कैसे कह सकता है? कहाँ कह रही हो? हाँ, शौचालय नहीं बनेगा इसलिए वो घर छोड़कर भाग गई थी।
अरे अरे अरे, घर की इज्जत है ना खराब करके रख दी उसने। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दो दिन नहीं हुए गौना गए हुए और वहां से भाग के आ गई, बोली शौचालय नहीं वहां पे। अरे उनकी इज्जत उज्जत है कि नहीं है? इज्जत होती तो वो लोग शौचालय पहले ही बनवा लेते ना गौनों से। चुप कर, इतने अच्छे घर वाले मिले हैं तुमको, अब गांव में उनका क्या इज्जत रह जाएगा? ये सब करने से पहले कम से कम एक बार सोच तो लेती। माई एक बार नहीं दो तीन बार सोचे थे, और हमारा पेट भी खराब है। सुन रहे हैं ना इसकी बात? अब इसका वहां ससुराल में और हमारा इस गांव में जीना हराम करके रख देगी ये लड़की। देख बेटी, जो तूने किया है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। कोई ससुराल से इस तरह से भाग के आता है? कभी सोचा है उनके बारे में, उन पर क्या बीत रही होगी? अरे घर वालों का तो ठीक है, लेकिन गांव वालों को पता चला तो। तू काम कर, चल संभाल ले, हम छोड़ कर आते हैं। चल बाबूजी, हम नहीं जाएंगे वहां वापस, हमारा पेट भी खराब है। वहां बार बार बाहर जाना पड़ता है, हमें खेतों में जाने में शर्म आती है बाबूजी, हम नहीं जाएंगे वहां। क्या वो लोग तुमको माफ कर देंगे? उनका इज्जत खराब करके यहाँ तुम चैन से रह पाओगी? एक बार भी नहीं सोचा कि दामाद बाबू को कितना बुरा लग रहा होगा? पता नहीं अब क्या करेंगे वो हम लोगों के साथ। माँ। क्या माँ? अरे भाई साहब, ये वीडियो साहब कहाँ मिलेंगे? वीडियो साहब पीछे है ना, आ रहे ना बात करते हुए। धन्यवाद। प्रणाम सर। जी बोलिए। सर एक निवेदन है, हमारे घर में शौचालय नहीं है, अगर सरकारी अनुदान मिल जाता तो बहुत कृपा होती। अच्छा ठीक है। सर हमारी पत्नी घर छोड़कर चली गई है क्योंकि शौचालय नहीं है। करा देंगे ठीक है। चलो वो फाइल किया तुमने, पुटअप किया, कल मेरे टेबल पे कर देना पूरा। अरे भाई, तुम्हारी पत्नी घर छोड़कर भाग गई क्योंकि तुम्हारे घर में टॉयलेट नहीं, इसलिए? हाँ। अच्छा, देखो मैं एक पत्रकार हूँ, अगर मैं तुम्हारी खबर अखबार में छाप दूँ तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा ना? अब बात तो सच्ची है तो एतराज काहे का? उस दिन दहाड़े सबके सामने घर छोड़कर भागी है, पूरे गांव को पता है, वैसे पेपर में भी छप जाएगा तो क्या होगा? अरे बहुत कुछ होगा, देखो आओ आप इधर। अच्छा ये बताओ तुम्हारी शादी कब होती है? जब हम 15 साल के थे तभी हमारी शादी हो गई थी, पर गौना अभी कुछ दिन पहले हुआ था। अच्छा, मतलब अभी तुम्हारी पत्नी घर पर आई थी? हाँ, और दूसरे दिन सवेरे वो घर में शौचालय ढूंढने लगी। संगीता, शौचालय कहाँ है? बाहर। बाहर मतलब खेतों में? घर में शौचालय नहीं है? अब हम लोग तो सब बाहर जाते हैं शौच के लिए, तो उसे भी जाना पड़ा, उसे इस बात का बुरा लग गया। और वो बिना बताए दूसरे दिन अपने भाई के साथ अचानक घर से भाग गए। तो तुम समझाने नहीं हो उसको? समझाए, बहुत समझाए, लेकिन वो कहा है कि एक नंबर की जिद्दी है। कहाँ कर रही हो तुम? बैग लेकर कहाँ जा रही हो? जब तक इस घर में शौचालय नहीं बनेगा हम वापस नहीं आएंगे। इसी चक्कर में वीडियो साहब के ऑफिस आ जा रहे हैं पिछले 4-5 दिन से, लेकिन वो मीटिंग में बिजी रहते थे। आज दिखे थे तो हमने उनसे अनुदान के लिए बोला, पर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है? प्रियंका भारती। अच्छा ये बताओ तुम्हारी पत्नी ने जो किया वो सही किया या गलत? किया तो उसने सही ही, पर अचानक कर दिया, शौचालय कहां से बनवाएंगे हम?
अब छोटे मोटे किसान है, किसी तरह घर का खर्चा चल रहा है। ठीक है अमरजीत, ये न्यूज कल अखबार में छपेगी, पक्का छपेगी। बाबूजी बाबूजी ये देखो इसमें क्या लिखा है। अरे पढ़ ना क्या लिखा है। घर में अरे तू मन में ही पढ़ता रहेगा। अरे पढ़ जोर से क्या लिखा है, पढ़ लिपट दे। बाबूजी इसमें मोटे अक्षरों में लिखा है, घर में शौचालय ना होने के वजह से नई नवेली दुल्हन प्रियंका भारती ससुराल छोड़ के भाग गई। अरे गांव वालों को समझाते समझाते दिमाग खराब हो गया है, अभी पूरी दुनिया का समाचार बन गया है, जीना दुभर हो गया है मेरा तो। अरे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये खबर पत्रकार तक पहुंची कैसे? हम बताए थे। सत्यानाश हो गया, पूरे गांव का इज्जत नीलाम हो गया, मिट्टी में मिल गई इज्जत सारी की सारी। अरे कौन सा नौटंकी है भाई, घर में शौचालय नहीं है तो क्या बहू ससुराल छोड़ के भाग जाएगी? छी 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 छी, पता नहीं कहां से राम जीवत बहू ढूंढ के लाया है, बड़ा खोजबीन कर रहा था। अरे तारा चाची, क्या है? अमरजीत की माई पूरे गांव में तुम्हारी बहू ने तमाशा बना के रख दिया, दो दिन में ही तहलका मचा दिया। अरे न्यूज पेपर में खबर भी तो छपने लगी है, पूरा प्रचार हो रहा है उसका मुफ्त में, और इधर तारा चाची का तो हाल ही खराब हो गया। चुप कर, जले पे नमक मत छिड़क। तुम्हारी नजर लगी है तुम दोनों की, कहे थे ना कि मत तारीफ करो, लेकिन तुम सुनो तब ना, चढ़ा दिया सर पर। हम कहा, हम तो उसकी तारीफ ही कर रहे थे, हम कौन सा झूठ बोल रहे थे, हमने तो यही कहा था कि बहुत तेज तर्राट है वो। झूठ मत बोल कलावती तू, तूने ये नहीं कहा था कि तेज तर्रार है, तूने ये कहा था कि चुनकर लाई है, बहुत सुंदर बहू है, ले ले अब तू मजे। तो हम कहा झूठ बोल रहे थे, सच्ची तो कह रहे थे हम। और सच बोलो तब भी हम खराब। चल रे जल्दी कर, पानी भी भरना है मुझे, हमको भी भरना है। चल जा, जलन घोर कहीं की महिला नारद मुनि जहाँ जाती है वहीं आग लगा के आती है, है? इसका देख के मुंह खराब हो जाता है दिन भर। माफ कीजिएगा, हमें प्रियंका भारती के घर जा रहे हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि उनका घर किधर है? का नाम बोले? प्रियंका भारती। प्रियंका भारती, ये क्या का नाम है? वो अमरजीत कुमार की पत्नी है। अरे तो ऐसा बोलिए ना, अरे अमरजीत के बहू के बारे में पूछ रहे हैं, कोई समस्या है का? जी नहीं, हमें उनसे मिलना था। चलिए हम ही आपको मिला देते हैं। चलिए चलिए आइए। क्या हुआ, इतना ब्लॉक का चक्कर लगाए, परिवार का नाम अखबार में उछला, कुछ हुआ था? क्या करें बाबूजी, हम कोशिश तो कर रहे हैं ना कि कैसे भी शौचालय बन जाए। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इस शौचालय के चक्कर में पूरी दुनिया के सामने हमारा इज्जत नीलाम करवा दिया। अरे बाबूजी आप हमें ही सुनाते रहते हैं, अब क्या करें, और शादी भी तो आप ही ने तय किया था ना, और वो भी तब।
जब हम बालिग भी नहीं हुए थे। आइए साहब, आइए आइए, यही है वो घर जहाँ को जाना है। अरे भाई रामजीव, देखो साहब लोग आए हैं शहर से। प्रणाम जी। नमस्कार। देखिए हम शुलभ इंटरनेशनल से आए हैं और आपकी बहू प्रियंका भारती से मिलना चाहते हैं। पर क्या बात है, काहे मिलना है, साफ साफ बताइए। देखिए आपकी बहू के बारे में हमें न्यूज़पेपर से पता चला था। हम उनको 2,00,000 रुपए का चेक देकर सम्मानित करना चाहते हैं। और आपके घर में जल्द से जल्द टॉयलेट का निर्माण करना चाहते हैं। बस आप हमें जगह बताइए, कहाँ बनवाना है आपको टॉयलेट? यहाँ घर के पीछे। ठीक है, हम आज से ही काम शुरू कर देते हैं। पर कहाँ है प्रियंका भारती? पर कहाँ है प्रियंका भारती? देखो लड़की को, शादी हो गई है लेकिन इसका बचपना नहीं गया। करके दिखाओ। कुछ सोचा है कि नहीं इसके बारे में? इतना दिन हो गया, अब तो दामाद जी से बात करनी चाहिए। किस मुंह से बात करूं दामाद जी से? इस लड़की ने तुमको कहीं का ना छोड़ा, टेंशन में तो हम भी हैं। कहा करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। काम करो, बुलाओ उसको, उसी से पूछते हैं। प्रियंका इधर आ, क्या बच्चों के साथ खेलती रहती है? क्या है माई, थोड़ी देर खेलने दो ना, आ रहे अभी, तुम खेलो। आ आ जल्दी, बाबूजी बुला रहे हैं। क्या हुआ बाबूजी? अरे कब तक लंगड़ी खेलती रहेगी? ससुराल जाना है कि नहीं? हम वहां नहीं जाएंगे। जब तक वहां शौचालय नहीं बनता वहां नहीं जाएंगे। और शौचालय बन गया तो? अरे दामाद जी, खुश रहो। खुश रहो। आओ बैठो। नहीं बाबूजी, हम यहाँ बैठने नहीं आए, इसको ले जाने के लिए आए। बाबूजी इसने शर्त रखी थी ना कि जब तक हमारे यहाँ शौचालय नहीं बनेगा ये हमारे यहाँ नहीं जाएगी। तो शौचालय बन गया? हाँ, और ऐसा बना है कि देखती रह जाओगी। सच्ची? माई हम अभी आते हैं। अरे दामाद जी आप बैठिए, एक काम करो, चाय नाश्ते का इंतजाम करो। हाँ, जाओ। ठीक है। अरे चलिए, हम चलने के लिए तैयार हैं। चलो। अच्छा बाबूजी प्रणाम। अच्छा ठीक है, खुश रहो। बाबू माई आप दोनों अपना ख्याल रखना। हाँ, और तुम दोनों भी ख्याल रखना। चले चल। अजीब लड़की है, कब क्या करेगी कुछ समझ में नहीं आता इसको। शौचालय के नाम पे इतना खुश हो गई है कि पता नहीं क्या मिल गया उसको। आपके साहसिक कदम की हम भरपूर सराहना करते हैं। आपके इस प्रयास से लोगों तक बहुत बड़ा संदेश पहुंचा है। हमारी तरफ से आपके नाम का यह 2,00,000 रुपए का चेक आप स्वीकार कीजिए। और हमने ये फैसला किया है कि आप हमारी ब्रांड एम्बेसडर होंगी। और शौचालय की आवश्यकता के ऊपर दूर दूर तक संदेश देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
ठीक है, हमें आप इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। अच्छा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चल भाइयों, आप लोग भी अपने घर जाइए। बहू का दत्त लेके जा। हाँ, चलो। अच्छा हो गया ना, अरे पढ़ी लिखी बहू लाने का कुछ फायदा तो हुआ ना। ये बहुत अच्छा हुआ। बहुरिया से कह के हमारे घर में भी एक टॉयलेट लगवा दीजिए ना। अरे हाँ, ये कोई पूछने की बात है, अब तो हमारी बहुरिया वो क्या कहते हैं अम्बेसडर बन गई है, अब तो हर घर में शौचालय बनेगा। चलो नमस्ते। जिस तरह से आज हमारा स्वागत हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे शादी होकर आज ही हम ससुराल में पहला कदम रखे हैं। हमको पता नहीं था एक शौचालय की जिद की वजह से इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा। आज हमारे ससुराल वाले भी हमारे साथ मिलकर शौचालय के निर्माण की मुहिम में लगे हुए हैं। एक शौचालय बन जाने से ये घर कितना अपना सा लगने लगा है। दुश्वार जो बनाते हैं अपना मुकाम इंडिया, इन्होंने किया है तेरा नाम इंडिया। सलाम इंडिया, अगर शौचालय नहीं तो ससुराल नहीं। पता नहीं था एक शौचालय की मांग करना इतना बड़ा न्यूज बन जाएगा, पर बाद में सबको भी एहसास हुआ था शौचालय के बिना घर अधूरा होता है। आज हम कितने घर में शौचालय का निर्माण करा रहे हैं, इस दौरान न जाने की कितने औरतों से मिल चुके हैं, ठीक वैसे ही परेशान जैसे ससुराल जाके मैं हुई थी। हम सबको निवेदन करते हैं घर बनवाने से पहले शौचालय बनवा रखें। तो ये थी प्रियंका भारती की प्रेरणादायक कहानी। उनके इस प्रयास ने पूरे गांव का नक्शा ही बदल दिया और आज वो सुलभ शौचालय की ब्रांड एम्बेसडर बनकर दूसरी महिलाओं की लड़ाई में शामिल हो रही है और घर घर में शौचालय बनाने के निर्माण में लगी हुई है। साफ रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी संदेश के साथ मैं खुशबू शर्मा आप सभी से लेती हूँ विदा। अगली कड़ी में फिर मिलूंगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए सलाम इंडिया।